फिलहाल अभी हम आ चुके हैं बालोद में और यहाँ पर देख सकते हैं कलश यात्रा निकल चुकी है और करीबन 2 बजे है यहाँ पर और 2 बजे लगभग यहाँ पर कलश यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। और फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं पूरी समिति के लोग जो है यहाँ पर पूरा प्रोटेक्शन दे करके अच्छे तरीके से यहाँ पर इस कलश यात्रा को सुशोभित रूप से निकाला जा रहा है। पर देख सकते हैं विशाल संख्या में जो है अभी यहाँ कलश यात्रा निकाली गई है और इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, जो कि है बालोद की स्थिति यहाँ पर। और बालोद में कल से शिव महापुराण की कथा स्टार्ट होने वाली है। वॉलेंटियर्स यहाँ पर पूरी सुविधा को देखते हुए संभाले हुए यहाँ पर देख सकते हैं सारे वॉलेंटियर्स यहाँ पर निरंतर रूप से सेवा दे रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं आप कलश यात्रा बड़े ही विशाल तरीके से और बड़े ही मनमोहक दृश्य में यहाँ पर निकाली गई है, जो कि है बालोद की स्थिति। और बालोद में यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से कल यहाँ पर शिव महापुराण की कथा स्टार्ट हो जाएगी, जो कि पंडित जी सीहोर वाले जो हैं पंडित जी यहाँ पर आकर के कथा करेंगे और शिव महापुराण की 5 दिवसीय कथा यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर कलश यात्रा के लिए यहाँ पर गांव गाँव से आकर के यहाँ पर बैठे हैं। कितने कहाँ से आए हो तुम? कहाँ से है? बालोद से। कितना बजे आई कलश यात्रा? निकल गए कलश यात्रा? हाँ निकलते बेटा, 5-10 मिनट में आ जाइए। चल कैसे लगा तुम्हारे यहाँ कथा हुआ तो? अच्छा लगा था ना। चलो हर हर महादेव बोल रहे। तो फिलहाल यहाँ पर जो शोभा यात्रा निकल रही देख सकते हैं चौक चौराहे पर, यहाँ पर स्वागत के लिए यहाँ पर फूल लेकर। तो आज पूरा बालोद यहाँ पर शिवमय हो चुका है देख सकते हैं। फिलहाल आप भीड़ की संख्या देख ही सकते हैं यहाँ पर। और पधारे हैं सावन मास के, उसमें मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जिसकी भक्ति हम कर रहे थे वो भक्ति आज पूर्ण हुई और हमारे नगर में प्रदीप मिश्रा जी का आगमन हुआ। मैं थैंक यू शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। हर हर महादेव। हर हर शिवाय नमस्तुभ्यम। यहाँ आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी का आगमन हो रहा है। हम बहुत खुश हैं कि हमारे बालोद में महादेव साक्षात सावन में आ रहे हैं। इस बात से हमें बहुत खुशी मिल रही है। हर हर महादेव।
महान कथा है। मालोद में 25 तारीख को हो रही और आज उसके पूर्व शोभा यात्रा एक विशाल शोभा यात्रा आज बालोद नगर में निकली है और मैं समझता हूँ कि आज बालोद नगर की जनता ने, इस क्षेत्र की पूरा जनता ने स्वस्फूर्ति एक इतिहास रच दिया है आज की शोभा यात्रा में। आज पूरे इस अंचल में बालोद सहित पूरे आस पास पूरे एरिया में एक निश्चित एक इतना अच्छा वातावरण, इतना भव्य शोभा यात्रा, मैं समझता हूँ कि आज तक की अपने इस उम्र में हमने आज तक कभी ऐसी शोभा यात्रा हम देखे नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।